It's a huge privilege to have Himesh Reshammiya with us in his music room. Today's occasion that he's celebrating 100th film with T-Series, and he has done almost 500 songs with T-Series, super hit songs, 550 I believe, 550. Yeah, so huge pleasure, first of all, to have you back on Bollywood Agama. And I must tell you that we were sitting, all of us, mesmerized, listening to all the songs. Yeah, and it was just one of the few numbers, because 500 gaane mein to bahut time lag jayega. Ek, do din lag jayenge. Lekin just completed about more than 650 hit songs. And now 500 gaane to T-Series ke saath ho gaye. 100 film mein T-Series ke saath ho gayi. To it's a great occasion. Aur sare gaane isi music room mein bane hain, jahan aap khade hain, aur yahi producers hote the. Aur सारे हम गाते थे, बनते थे गाने. तो सरस्वती माता का आशीर्वाद है. एंड यहाँ पे एक इतने हमारे म्यूजिशियंस, रिकॉर्डिस्ट, सबका जो योगदान है, साथ है जी. लोगों का एक प्यार है, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ वो वाइब्रेशंस होते हैं कि एवरी सॉन्ग मेरा यहीं बना है. तो ये जो जगह है वो मेरे लिए मंदिर है. इट्स माई यू नो, इट्स गॉड्स डेस्टिनेशन फॉर मी. सो वेरी इमोशनल. एंड एक अलग उन दिनों की याद ताज़ा हो गई आप लोगों से मिलके. बिकॉज सबसे जो मेन बात होती है कि हम रिकॉर्डेड गाने सुनते हैं हम, लेकिन जिस तरह वो कंपोज हुआ था, और उस वक्त किसी प्रोड्यूसर ने या डायरेक्टर ने या एक्टर ने जो जजमेंट लेना था कि इस गाने को जब रिकॉर्ड करके अलग अरेंजमेंट में पेश किया जाएगा तो कितना बड़ा हिट होगा, क्योंकि उस पर कितने पैसे लगने वाले हैं. तो वो जो जजमेंट का जो वक्त होता था कि दिस इज़ इट और दिस इज़ नॉट द सॉन्ग, और 650 गाने में वो जजमेंट का वक्त हमेशा आया किसी की ज़िंदगी में, मेरी भी, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और एक्टर की भी. एंड वो मोमेंट होता था डिसाइडिंग का कि नहीं यार. और ये तो वो 650 हिट गाने जो आए, लेकिन देर आर अबाउट 1000 सॉन्ग्स जो नहीं आए, जिनमें से पता नहीं और कितने हिट गाने हैं, छूट गए हैं या सही डिसीजन था. वो जो मोमेंट होता है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ गेम ऑफ विट्स. एंड आप क्या सिलेक्ट करते हैं, क्या नहीं, कितनी कमाल की बात है अगर हम सोचने जाएं कि रॉन्ग गाना सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, करेक्ट गाना सिलेक्ट होना चाहिए. और उनके लिए भी, मेरे लिए भी, क्योंकि मैं कभी कोई गाना किसी प्रोड्यूसर को या किसी को फोर्स नहीं करता हूँ. आई ट्राई टू गेट देयर रिएक्शन कि उनको वो फील आ रही है, और फिर वो सैम्पलिंग करते हैं. उनको पसंद आता है तो हम, बिकॉज फाइनली नाम मेरा है तो कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. तो इतने ऑप्शंस भी होते हैं, बट रियली वो एक भूषण जी के लिए भी ये कहूँगा कि उनका जो जजमेंट था वो बहुत ही ज़बरदस्त था. वो और अजय जी यहाँ आते थे और वो गाने सिलेक्ट हो जाते थे. वो जिस तरह से हम लोग डिसीजन लेते थे, और अब इतना काम करने के बाद थोड़े से हम बहुत कम काम करते हैं, बिकॉज एक्सप्लॉइट एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि वी नीड टू बी यू नो, बहुत और श्योर होना पड़ता है. तो यस, थोड़ा सा कम काम अब करना हमारे लिए ज़रूरी है, बट उससे बेटर काम करने के लिए दैट्स दी ओनली वे आउट. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट वन थिंग आई नोटिस, यू स्टार्टेड ऑफ विद सलमान सॉन्ग फ्रॉम प्यार के तो डरना क्या. एंड यू हैड आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज हिज फिल्मोग्राफी इन द लास्ट 15 ईयर्स इज कंसर्न एज वेल. Interesting part is that Pyar Kiya To, that Orli Chunariya, and then you've done Tere Naam, which I think is one of the finest, I think, your album as well as Salman's album as well. And then you're having a Just Chill as well, and Prem Ratan Dhan Payo, and of course Bodyguard. The sort of variety that somehow you've managed with Salman, is it something that with Salman bhai, it is only because he has this amazing you know, sense of music, and he's so blessed. Jee. And he just knows exactly. So his compositions are, the way he can carry Jumme Ki Raat, nobody can. The way he can carry Tere Naam, nobody can. Aaj, if these songs have become legendary songs, it's because he can carry it so well, I would say. So those songs are completely kept in mind, whether, okay, when Salman bhai does this, like, there are some songs that we've just, you know, he selects his own stock of compositions, so he selected certain songs. I mean, they cannot go with any other actor. And even Bhushan ji knows this. And that is something which we know, that if it is Salman bhai, then okay, then Jumme Ki Raat or Tere Naam or Teri Meri Prem Kahani from Bodyguard, all these songs are going to work with him. It will not work with anybody else. So every actor has his own forte, but he is someone who carries music to some another level. Absolutely. He's, yeah. Absolutely.